मैं बेगम के पास बैठा था और उसने कहा, मैं बिलाल अब्बास का ड्रामा देखकर आती हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है। ये कहकर वो चली गई। मैं उठा और खुद को आईने में देखने लगा कि मैं तो उस जैसा नहीं हूँ। खैर, जब बेगम ड्रामा देख चुकी तो मेरे पास आई। मैंने पूछा, बिलाल अब्बास में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? तो उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और शरारत करते हुए बोली, वो अपनी बीवी की बात उसके कहने से पहले समझ जाता है, उसके छोटे बड़े काम की तारीफ करता है। वो जब बीमार होती है तो पानी की पट्टियां सर पर रखता है, इतनी केयर करता है कि दिल खुश हो जाता है। मैं उसकी बातें गौर से सुन रहा था और उसकी मुस्कुराहट देख रहा था, जो पहले कभी मुझसे बात करने से कभी नहीं आई। मैं रात बिलाल अब्बास के बारे में सोचता रहा और दूसरे दिन ऑफिस से आते ही बीवी के पास गया, जो किचन में अपने काम में मसरूफ थी। मैंने आगे बढ़कर उसके बाल की लट हटाई। वो मुस्कुराते हुए मुझसे हाल वगैरह पूछने लगी और पानी का ग्लास मुझे दिया। फिर रात के खाने के बाद मैं उसे बाहर ले गया। मुझे आज पहली बार पता चला कि उसे आइसक्रीम बहुत पसंद है। मैंने उसके हाथों में फूलों के गजरे पहनाए, वो भी उसे बहुत पसंद थे, जो मुझे आज पता चला वो इंतहा की खुश थी। औरत सिर्फ मर्द की खूबसूरती और दौलत नहीं चाहती, वो अपने होने की अहमियत और अच्छा शौहर चाहती है जो उसकी फिक्र करे, उसकी केयर करे, उसके दुख सुख में उसके साथ खड़ा हो। औरत एक हमसफर चाहती है जो उसे समझ सके।